हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ, बहुत मतलब अच्छी हूँ। एंड आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ। जैसा कि मैंने बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस पे देखा एंड मुझे भी अपने मेरे वीडियोस पे कमेंट आए, क्योंकि मैं वीडियोस पे अपने बेटे को लाती रहती हूँ, तो उसमें कि अपने सी सेक्शन, मतलब मेरा जो डिलीवरी हुआ सी सेक्शन की, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा चलो, और मैंने ये वीडियो बहुत देखा है यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि चलो मेरा एक ब्लॉग होना चाहिए जिसपे ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ। ऐसे तो मतलब बहुत इस टॉपिक पे बहुत वीडियो है, मतलब आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मतलब अपने सी सेक्शन का एक्सपीरियंस सबने शेयर किया है। तो आज मैं अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो जानने के लिए बने रहिए आगे वीडियो में। तो गाइस देखिए, डिलीवरी का नॉर्मल दो प्रोसेस होता है, एक नॉर्मल होता है एंड एक सी सेक्शन होता है, जिसे हम ऑपरेशन बाय मतलब ऑपरेट करते हैं, जिसमें हम उसको सी सेक्शन भी बोलते हैं। तो नॉर्मल में भी पेन होता है गाइस, एंड सी सेक्शन में भी बहुत पेन होता है। ऐसा नहीं है कोई, मतलब नॉर्मल वाले बोलते हैं कि सी सेक्शन तो इजी है, उसमें तो दर्द ही नहीं हुआ, माँ डर रही थी इसलिए वो करा लिया, तो क्या दर्द झेला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, जितना दर्द नॉर्मल डिलीवरी के माँ को होता है। एक्चुअली क्या है ना गाइस, देखो माँ बनना ही बहुत अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है माँ, तो पेन तो दोनों में होता है, क्योंकि आप जानते हो माँ का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। बस ये है कि एक में पेन जो होता है वो डिलीवरी के पहले होता है, फिर जब बेबी हो जाता है तो थोड़ा रिलैक्समेंट हो जाता है, और एक में पेन पहले थोड़ा कम, बाद में आफ्टर सी सेक्शन आफ्टर ऑपरेशन पेन ज़्यादा होता है। तो मैं आज अपना सी सेक्शन का जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गाइस, मेरा जो सी सेक्शन हुआ है वो 2019 में हुआ। मेरा बेटा नयन, वो मंथ कौन सा था, नवंबर। क्या हुआ ना कि जब नयन, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो नयन मतलब 7 मंथ में, ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी 7 मंथ में मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आने लगा। तो गाइस एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ में, तो डॉक्टर ने मतलब जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो डॉक्टर ने बता दिया था कि वाटर लेवल जो है अराउंड बेबी, तो वो थोड़ा कम है, तो मे बी हम लोगों को सीजर में मतलब सी सेक्शन के लिए ही जाना पड़ेगा। तो मैं तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी, क्योंकि मुझे आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से उस टाइम मुझे नॉर्मल के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करना था, क्योंकि मुझे लगता था मुझ में उतना दम नहीं है नॉर्मल का पेन झेलने का, उससे बेटर आफ्टर ऑपरेशन में वो पेन झेल लूँगी, देख लिया जाएगा, क्योंकि मुझे उस बारे में उतना डीप नॉलेज में, देखो है हूँ तो मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट, मुझे पता था क्या कैसे होता है एंड मतलब दर्द कितना होता है, मतलब कितना लेयर कटता है, रिकवरी में कितना टाइम लगता है। बट एक्चुअली उस टाइम ये था कि ठीक है भाई कर लेंगे, अभी मतलब बात का बात है ना, बच्चा मेरे हाथ में होगा तो वो पेन हम झेल लेंगे। बट क्या था कि 7 मंथ में जब पता चल गया कि वाटर लेवल कम है एंड सी सेक्शन ही होना है, तो मैं एक तरह से ठीक भी रिलैक्स भी थी कि चलो ठीक है, मुझे तो ऐसे भी सी सेक्शन कराना था, बट कंसर्न ये था कि बेबी के अराउंड जो वाटर लेवल होता है वो बहुत कम था। जब मेरा डेट था, मेरा डेट जो था उससे डॉक्टर ने 25 डेज पहले ही, मतलब 20 to 25 डेज पहले ही ऑपरेट करने के लिए कहा, तो जिस पे हुआ कि नहीं, मतलब कुछ था ऐसा रीज़न, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, तो कुछ था जिसके वजह से डेट 10 डेज फिर भी डॉक्टर को मना के, बहुत डॉक्टर ने कहा कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे मतलब डेट पे, तब आप दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो, मतलब हम पेशेंट ख़राब करना नहीं चाहेंगे, ऐसे वैसे बहुत मतलब हुआ, फैमिलीज कुछ था फैमिली इशू, तो इस वजह से मेरा डेट थोड़ा आगे गया। आगे जाके 4th of November मेरा सी सेक्शन हुआ। तो सी सेक्शन में क्या था, सबसे पहले मुझे एक्चुअली पता था भी और नहीं भी था, तो जो हॉस्पिटल था ना हमारे इधर, वो मतलब बहुत बड़ा बोल सकते हो ऐसा नहीं था, नॉर्मल जो एक हॉस्पिटल होता है डिलीवरी के लिए, आई थिंक 20 to 25 रूम वैसा वाला था डिलीवरी का, इतना पेशेंट तो वैसा था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा नहीं था हॉस्पिटल, नॉर्मल बहुत ही नॉर्मल था। तो वहाँ OT भी छोटा था। सबसे पहले मुझे एडमिट कराया गया, तो जैसे बोला गया कि 3rd of November कि आप लाइट खाना खा के और आप जाना, मतलब
मतलब 7 बजे शाम के पहले मतलब खा लेना कुछ, और जितना खाते हो उसका आधा खाना, बहुत ही लाइट वेट खाना खाना। तो मैंने खा लिया, मैंने एक रोटी खाई, सब्जी खाई, एंड जस्ट थर्ड को छठ खत्म हुआ था। छठ पूजा, जितने भी यहाँ बिहार यूपी के होंगे वो मुझे देख रहे होंगे तो उनको पता है छठ हम लोगों में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तब मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। तो मैंने थोड़ा प्रसाद खाया खाना खाने के बाद, और फिर मैं चली गई 8:30 में मैं हॉस्पिटल चली गई एडमिट होने। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ ना कि मुझे ना हेडेक होना शुरू हुआ, मतलब मेरे सर इतना भारी, मतलब इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था कि कुछ कहने का नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था। पूरा का पूरा रात मैं बेचैन रही, मैंने बोला दवाई दे दो भाई, पेन किलर कुछ तो दे दो, सर में बहुत दर्द है। बट वहाँ पे जितनी भी नर्स थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम कल अर्ली मॉर्निंग आपका ऑपरेशन है, हम कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। तो अब उस पेन के साथ मेरे से पेन सह नहीं पा रही थी मैं, इतना पेन हो रहा था, पूरे के पूरे रात में जगी रही। उसके बाद दूसरा दिन जब 7 बजा सुबह, और मुझे वॉमिट भी बहुत हुआ, मैं फुल मंथ प्रेग्नेंट थी तो वॉमिट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब सुबह का 7 बजा तो डॉक्टर बोली कि डॉक्टर सॉरी जितनी भी नर्स थी, 2-3 नर्स आई मेरे पास, बोली चलो ऊपर, अब डॉक्टर आएंगे तो तुम्हारा मतलब ऑपरेशन होगा। 8:30 बजे का टाइम डॉक्टर ने दिया था सुबह का, तो मुझे 6 बजे सुबह में ऊपर लेके गए, ड्रेस पहना दिए स्लाइन लगने के लिए, मतलब मेरा स्लाइन राइट हैंड में लगा था, यस मेरा इस साइड लगा था क्योंकि इस हाथ में नर्व्स नहीं मिल रहा था, तो इस हाथ से यहाँ पे स्लाइन लगा था, इस जगह पे। अभी भी मुझे याद, अभी भी यहाँ पे ना पता नहीं, लोग बोलते स्लाइन से ताकत मिलता है, जो भी ताकत तो मिलता है, बट ये जो जगह है ना मेरा, अभी भी इस हैंड से ज़्यादा ये वाला चीज़ स्वेल है, इस जगह पे स्लाइन लगा था। तो स्लाइन लगने से पहले जो भी 1-2 प्रोसेस होता है वो हुआ, उसके बाद मेरा स्लाइन जब लगा गाइस, इतना मेरे को सुई लगा, आपको मतलब कोई भी यहाँ जो मतलब प्रेगनेंसी जिनका रहा हो वो जानते होंगे कि सुई का उनको आदत हो जाता है एक तरह से, इतनी सुई लगती है। बट वो जो स्लाइन का सुई है, ओ माय गॉड, हॉरेबल हॉरेबल, इतना मतलब भयंकर मुझे उसमें पेन हुआ। मैंने मेरी मम्मी जस्ट मेरे इस साइड खड़ी थी, मतलब मेरे लेफ्ट साइड, और मेरे राइट हैंड में लग रहा था। मैंने मम्मी को इतना ज़ोर से पकड़ा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था स्लाइन का वो सुई जो अंदर वो लोग डाल रहे थे। तो वो लगा, फिर 1 घंटे मेरे को स्लाइन चढ़ा, उसके बाद ड्रेस तो पहना ही दिए थे, सारा तैयारी हो चुका था, मुझे ओटी मिले गए। और ओटी में देखो, और मुझे कोई किसी तरह का हेडेक नहीं था, जैसे कि ये था कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है, सी सेक्शन तो सब डरते हैं कि ऑपरेट होने वाला है, तो मुझे ऐसा कुछ भी मतलब उस टाइम नहीं लगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि मुझे मेरा फर्स्ट चाइल्ड था तो मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। ऐसा था कि पता था कि परसों ऑपरेशन होने वाला है, तो मैं उस समय भी खुश थी कि अरे वाह परसों मुझे उसका फेस देखने को मिलेगा, क्या होगा, अब बॉय होगा गर्ल होगा। फिर कल हुआ तो कल मेरा ऑपरेट होने वाला है, फिर आज हो गया, कुछ घंटे बाकी थे तो मुझे लग रहा था कि हाय अब कुछ देर में मुझे बस चेहरा देखने को मिलेगा, बेबी गर्ल हुआ बेबी बॉय मुझे ये भी पता चलेगा, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं ओटी गई तो अब हुआ नॉर्मल कि बैठ जाओ, मैं बैठी, डॉक्टर का सब सेटअप ऑलरेडी डन था, डॉक्टर प्रेजेंट थे, एनेस्थेसिया वाले एक डॉक्टर रहते हैं, एक ऑपरेट करने वाले रहते हैं, और उनके सपोर्ट में जो भी हेल्पर्स रहते हैं नर्स वगैरह वो लोग थे। तो पूरा टेबल मेरे चारों ओर था, मेरे इधर बीपी मशीन तो जितने भी होते हैं वो सब मॉनिटर करने के लिए लगा हुआ था। तो एनेस्थेसिया वाले मेरे रिप्स में कुछ देख रहे थे, मुझे ऐसे बैठाए, बोले बैठ जाओ ऊपर चढ़ के, तो थोड़ा वो ऊंचा रहता है जो ऑपरेशन वाला वो जहाँ पे लेटाते हैं, तो वो टॉप थोड़ा ऊपर रहता है। तो मैं सीढ़ी पे चढ़ के ऐसे बैठ गई, बोले आराम से चढ़ो, बैठी तो वो बस ऐसे ऐसे देख रहे थे, तो मुझे और इधर इधर मेरा बीपी वो कंट्रोल करने के लिए वो लोग देख रहे थे कितना है बीपी क्या है। मुझे लगा एनेस्थेसिया का, एक्चुअली गाइस मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगता था आज तक जिन्होंने भी बताया था एनेस्थेसिया का सुई बहुत दर्द होता है, मतलब जब लगाते हैं वो लोग तो बहुत मतलब अनबियरेबल पेन होता है। बट मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसे बैठाया गया,
बोला गया था झुक जाओ, मैं ऐसे झुक गई यहाँ पे ऐसे करके, थोड़ा पता नहीं वो लोग क्या देख रहे थे। अब मुझे लग रहा था गॉड मुझे लगने वाली बहुत तेज, मुझे दर्द होने वाला है बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, और बस हल्का सा मतलब कुछ भी पता ही नहीं चला यार। इनफैक्ट कि जब ब्लड टेस्ट लेते हैं उसका सुई से पता नहीं चलता, और इसमें तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला, मतलब बस अचानक से ऐसे ऐसे किए कुछ रिप्स के पास और बोले अब तुम लेट जाओ। मैंने बोला कि एनेस्थीसिया को सुई दे दिया आप लोगों ने? बोले हाँ हाँ लेट जाओ, तुम टेंशन मत लो इतना, लेट जाओ लेट जाओ। अब तो भैया मुझे लगे डर बहुत खतरनाक कि भाई मतलब अब मुझे कितना दर्द होने वाला है, मेरा तो भाई मतलब वो सुन भी नहीं हुआ, तो मुझे मैं ऐसे लेट गई मुझे तो लेट जाओ। और डॉक्टर स्कैपुला वगैरह मतलब सीजर वगैरह लेके रेडी ऐसे, और पूरा ग्लव्स व्लव्स पहने हुए, हाँ मुंह में मास्क लगाए हुए। मुझे तो लगा ओ गॉड मेरा दर्द होने वाला है। मैंने अपना पैर का फिंगर्स थोड़ा ऐसे ऐसे मूव किया, तो मैंने बोला मेरे में तो अभी भी सेंसेस हैं, मतलब मेरा पूरी तरह से शरीर वो नहीं हुआ है, बेहोश। तो डॉक्टर कुछ नहीं, डॉक्टर मुझे देखे आप उठाए, मुझे तो लगा अब तो मैं गई, होने वाला है दर्द। बस मैंने बोला भगवान 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 भगवान, बस उसके बाद तो 2 मिनट लगता है बच्चे को निकालने में, मतलब गिन के 2 मिनट। मैं अपना आँख बंद कर ली कि अब मुझे लगने वाला है भयंकर दर्द होने वाला है। तो जैसे मुझे एकदम बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाई दिया, मुझे तो ऐसे सेंसेस था ही नहीं मेरे में, और मुझे लग रहा था अब काट रहे अब काट रहे अब काट रहे, मुझे पता तो चले गए मुझे पता तो चले गए। तो जैसे उन्होंने कट किया होगा, मैं तो अपने आँख बंद करके भैया अब तो लगेगा अब तो लगेगा अब लगने वाला है, ऐसे 2 मिनट हुआ और मुझे रोने का आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा हैं, तो वो बंगाल में मेरा मतलब जो डॉक्टर थे, हुआ तो झारखंड में था ऑपरेशन, मतलब हॉस्पिटल झारखंड में था, बट वो जो डॉक्टर थे वो बंगाली थे, उनका नाम है, मैं नाम नहीं लूँगी चलो अभी। तो फिर वो डॉक्टर बोले ऐसे उठा के दिखाए, अम्बेलिकल कोड लगा ही हुआ था, उठा के दिखाया बोले छेले हुआ है। अब मैं अपने इतने सेंसेस में मतलब थी सेंसेस में, बट इतना मुझे समझ, मैं ऐसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप बंगाल में ही हूँ, तो मुझे बंगाली आती है समझ, मैं बोल मतलब फ्लुएंटली नहीं पाती बंगाली, बट मुझे समझ में आती है बंगाली। अब उन्होंने बोला छेले हुआ है ऐसे दिखाते, अब आई वॉज लाइक छेले, अब मैं सोच रही हूँ छेले एंड मे क्या होता है। तो छेले में मैं बता दूँ आपको गाइस पहले कि छेले मतलब लड़का होता है और मे मतलब लड़की, मुझे बहुत अच्छे से पता है, किसी को भी पता होगा जो बंगाल के होंगे, मतलब जिनको बंगाली नहीं भी आता है उनको भी पता होगा, जो अगर बंगाल में 2-3 साल भी रह लिए होंगे। अब मैं उस समय ये सोच रही थी मे मतलब लड़का होता है, नहीं मे मतलब लड़की, वो अच्छा मतलब छेले मतलब लड़का हुआ है मेरे को। अब तो भैया मुझे इतनी खुद ही पे हंसी आ रही थी कि मुझे सब कुछ लेट क्यों समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं भी एनेस्थीसिया का कुछ असर हो ऐसा। अब उसके बाद बस ये हो गया, और उसके बाद हाँ वो डॉक्टर लेके चले गए। उसके बाद जो आधा घंटा लगता है, अब मैं सोच रही हूँ मुझे कब फेस देखने को मिलेगा, मुझे कब फेस देखने को मिलेगा। मैंने बड़े बड़े जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे उसमें देखा है कि बेबी लाके मम्मा के पास देते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किए, और मैं इसी सपने में मैं बोल रही हूँ मेरे बेबी को साफ कर दिया, मेरी बेबी को थोड़ा सा मुझे दिखा दो ना, फेस दिखा दो ना। अब सब डॉक्टर मुँह में मास्क लगाए हुए और मुझे ऐसे देख रहे, फिर एक बार अपना काम करो, फिर एक बार देख रहे, फिर मैं पूछ रही सॉरी फिर मैं पूछ रही हूँ अच्छा डॉक्टर बच्चे का वेट कितना है, अच्छा डॉक्टर बॉय ही है ना, ऐसे ऐसे करके मैं पूछ रही थी, मतलब डॉक्टर के लैंग्वेज में बोल लो। तो डॉक्टर निकल के मेरे पापा से बोल रहे थे आपकी बेटी बहुत तंग करी अंदर। तो और मतलब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी ऐसा बोलते हैं कि सी सेक्शन में बहुत पेनफुल होता है सी सेक्शन, या फिर बहुत दर्द होता है, या कुछ होता है, हो सकता है 5%, 5%, 10% केसेस अलग हो। मतलब मेरा सी सेक्शन बहुत अच्छे से हुआ था, जो डॉक्टर थे बहुत अच्छे से स्मूथली किए, और मुझे इतना कोई पेन ड्यूरिंग सी सेक्शन नहीं लगा, ना एनेस्थीसिया का सुई आज के डेट में ऐसा होता है जो मतलब लोग बोलते थे ऐसे फट से लगा देंगे तो बहुत जोर चिल्लाना लगता है, बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। तो यू कैन गो फॉर सी सेक्शन, अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है या आपका मन है तो सी सेक्शन में जा सकते हैं, बहुत सेफ है मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी।
तो आप बिल्कुल सी सेक्शन करवा सकते हो। बस एक है फैक्ट, जो फैक्ट है सो फैक्ट है, आफ्टर सी सेक्शन आपको कंप्लीट 3 मंथ तो चाहिए कंप्लीट रेस्ट, मतलब आपको रेस्ट करना पड़ेगा एंड आपको रिकवरी के लिए। बोलते तो 3 मंथ है लेकिन डॉक्टर मेरे को 6 मंथ बोला था कि 3 मंथ तो ठीक है, क्योंकि मुझे और भी कुछ आफ्टर सी सेक्शन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे बॉडी में, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत रिकवरी में मुझे 6 मंथ लग गए थे मुझे पूरी तरह से रिकवर होने में। तो ठीक है गाइज, अगर कुछ और प्रॉब्लम हो फर्स्ट, हाँ सी सेक्शन का फर्स्ट वॉक, ओ माय गॉड, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। बोलते ना कि वो पेन जो, मतलब आफ्टर 24 आवर आपको बोला जाएगा आपका जो यूरिन वाला वो पाइप वगैरह है वो खोल दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा वॉशरूम खुद जाना है, बाथरूम खुद, सब कुछ खुद जाना है उठ के बेड से। और एकदम 24 आवर, मतलब मेरा ऑपरेशन 9 बजे हो गया था, 9:30, दूसरे दिन मुझे 9:10 बजे उठा दिया गया, मतलब बोला गया उठो बेड से और चलो थोड़ा। अब आई वॉज लाइक, मेरी मम्मी ऐसे करके मेरे को उठाई, अब मैंने जमीन पे पैर रखा, यकीन मानो मुझे लग रहा था मेरा पैर कांप, मतलब मैं बताती हूँ ऐसे फ्लैट ही नहीं हो रहा था, ऐसे मैं दोनों पैर ऐसे करके रखी थी। आई वॉज लाइक मम्मी हमको बैठा दो प्लीज़, मेरा यूरिन वाला वापस लगा दीजिए, मैं नहीं उठ पाऊँगी, मैं उठ ही नहीं पा सकती, मतलब मैं नहीं उठ पाऊँगी। और उस टाइम का वो पेन, मुझे पेन तो नहीं याद है कि वो, मतलब एक होता है ना कि पेन याद रहता है, मुझे वो पेन याद नहीं है, बट ये याद है कि उस टाइम मुझे ये लगा था कि मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो पाऊँगी, अब मैं कभी भी नहीं चल पाऊँगी पहले जैसे। पेन तो बहुत था, मतलब मैं आई वॉज लिटरली मैं रो रही थी, मम्मी हम नहीं चल पाएंगे, 2 कदम हमें होते 2 कदम और, अब मुझे लग रहा था अब मैं नहीं चल पाऊँगी ऐसा। तो कॉम्प्लिकेशन तो देखो सब में थोड़ा बहुत होता है केसेस, अब मतलब नॉर्मल में भी दर्द है और बहुत पेनफुल है, सी सेक्शन भी बहुत पेनफुल है, तो माँ बनना ही पेनफुल है यार, बट क्या करे, वो औलाद की खुशी होती है ना वो, नहीं डरा, सी सेक्शन के बाद जो मुझे खुशी है ये मेरे औलाद की, ये प्राइसलेस है। तो अब मैं वो पेन भूल गई हूँ, बस मुझे ये याद था, मैंने आपसे शेयर किया, मुझे कमेंट भी आए थे और मुझे शेयर करना था अपना जर्नी, मुझे ये ब्लॉग रखना था यूट्यूब में। तो ठीक है गाइस, अगर कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उस पर वीडियो लेके आऊँगी। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलती मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।